कभी हत्या, कभी अपहरण, कभी साजिश। यूपी का सबसे बदनाम सियासी परिवार, जिसके रसूख ने कई बार सियासत बदली, जो सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदों पर रहा, जिसके बिना यूपी की राजनीति का पत्ता भी नहीं हिला, उस परिवार की दो पीढ़ियां अब कानून के शिकंजे में कैद हैं। अमरमणि त्रिपाठी जो हत्या के इल्जाम में उम्र कैद काट रहे हैं, पत्नी मधुमणि त्रिपाठी जो हत्या की साजिश की सजा जेल में भुगत रही हैं, बेटा अमन मणि त्रिपाठी जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, और बहु सारा सिंह जिसकी मौत अब इस परिवार पर एक नया कलंक बनकर सामने है। आज हम आपको दिखाएंगे इस परिवार के गुनाहों की पूरी कहानी, कैसे यूपी का बड़ा सियासी परिवार अब सलाखों के पीछे पहुंच गया, कैसे गुनाहों की तमाम कहानियों ने एक परिवार को तबाह कर दिया। यूपी के अपराध मणि। इंडिया 9 बजे में विस्तार से खबरों की शुरुआत एक रोड हादसे से, जहां कार में मौजूद एक महिला की मौके पर ही मौत हो जाए, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएं, लेकिन गाड़ी चलाने वाले शख्स को एक खरोच तक ना आए। शक होना लाजमी है, कुछ ऐसा ही शक है सारा सिंह यानी अमरमणि त्रिपाठी की बहू के परिवार को, जिनकी गुरुवार को हुए हादसे में मौत हुई। हादसे के बाद एक पुराने आरोप में 6 महीने से फरार चल रहे अमन मणि त्रिपाठी अब पुलिस की गिरफ्त में है। उन्हें जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जेल जाने से पहले अमन मणि ने अस्पताल में बीमार होने का ड्रामा किया, और जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो अमन मणि ने पत्रकार पर ही हमला कर दिया। जब तक सवाल नहीं पूछा गया तब तक अमन मणि त्रिपाठी स्ट्रेचर पर लेटे हुए दर्द से कराह रहे थे, लेकिन जैसे ही पत्रकार ने सवाल पूछा अमन मणि ने हमला बोल दिया। उनके चमचे भी पत्रकारों पर टूट पड़े, क्योंकि सवाल यह था कि जब हादसे में उनकी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, उस हादसे में उन्हें खरोच तक क्यों नहीं आई। सवाल यह था कि उनकी पत्नी का परिवार इसे हादसा नहीं हत्या करार दे रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में हादसा गुरुवार को हुआ था। हादसे के वक्त गाड़ी अमन मणि चला रहे थे। उनके मुताबिक एक बच्ची को बचाने की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई। लेकिन सारा का परिवार इस हादसे को साजिश का नाम दे रहा है और हादसे की CBI जांच कराने की मांग कर रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि अच्छी वाली लड़की थी, अचानक खत्म हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को CBI के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया जाए। हादसे और हत्या के आरोपों के बीच का सच क्या है, इसकी जांच जारी है, लेकिन हादसे के फौरन बाद पुलिस ने फिरोजाबाद से ही अमन मणि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वो इसलिए क्योंकि अमन मणि त्रिपाठी करीब 6 महीने से अपहरण के एक मामले में फरार था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका था। अगस्त 2014 में अमन मणि त्रिपाठी पर ऋषि पांडे नाम के ठेकेदार को अगवा करने का आरोप लगा। आरोप था कि अमन मणि ने ऋषि से 1,00,000 रुपए की रंगदारी की मांग की थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अमन मणि ने ऋषि की बीमार पत्नी के साथ भी बदसलूकी की थी और पैसे न देने पर उनके परिवार के साथ मारपीट भी की थी। पुलिस भी यहाँ लगी थी और पत्रकार बंधु भी यहाँ आ गए थे, उनको कवरेज कर रहे थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे, उनको पुलिस लेके जा रही थी, तो उन्होंने कवरेज कर रहे पत्रकार बंधु के साथ उन्होंने धक्का मुक्की कर दी अमरमन त्रिपाठी ने, जिससे उनका कैमरे टूट गया और उनको हम लोग बिठा के न्यायालय भेज दिया गया है। अमन मणि और सारा की शादी 2 साल पहले ही हुई थी, वो भी परिवार की मर्जी के खिलाफ, और अब सारा का परिवार इस हादसे को शक की निगाह से देख रहा है। परिवार के मुताबिक हादसा दोपहर 1:30 बजे हुआ, लेकिन उन्हें इसकी सूचना 3 बजे क्यों दी गई? परिवार के मुताबिक हादसे के कुछ वक्त बाद ही वहां अमन मणि के समर्थक कैसे पहुंच गए? हादसे के बाद अमन मणि ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश क्यों की? परिवार तो ये भी कहता है कि हादसे के बाद अमन मणि मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों कर रहा था। सारा की माँ सीमा सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नेता है और उनके मामा SK रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं।
इसलिए पुलिस भी तफ्तीश का हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। सच क्या है जल्द ही सामने आएगा, लेकिन पुराने अपराधों से इतना तय है कि अमन मणि त्रिपाठी भी अब पिता अमर मणि त्रिपाठी के रास्तों पर है। उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। सारा सिम का परिवार गमगीन भी है और बेहद नाराज भी। अमन मणि त्रिपाठी पर जुर्म की जिस जमीन पर चलने के आरोप लग रहे हैं, दरअसल वो जमीन उनके पिता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी ने तैयार की थी। अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, आपको याद होगा, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की साजिश के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मधुमिता शुक्ला उस जमाने की एक उभरती हुई कवित्री, लेकिन मई 2003 में मधुमिता की गोली मारकर हत्या की गई और आरोप लगा यूपी की सियासत के रसूखदार नेता अमर मणि त्रिपाठी पर, जिनके खादी की आड़ में कई काले कारोबार थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विधायक अमर मणि त्रिपाठी का नाम हत्या, फिरौती और अपहरण जैसे कई गुनाहों में दर्ज था। अमर मणि त्रिपाठी को कविता और शायरी का शौक था और मधुमिता से उसकी मुलाकात भी एक कवि सम्मेलन में ही हुई थी। CBI जांच के मुताबिक मधुमिता की हत्या अवैध संबंधों का नतीजा थी, क्योंकि मधुमिता की मौत के बाद जब उसके गर्भ की जांच की गई तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा अमर मणि त्रिपाठी का ही पाया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के दिन मधुमिता लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी के अपने घर पर थी। उस वक्त मधुमिता का नौकर देशराज भी घर में मौजूद था। तभी संतोष राय और प्रकाश पांडे नाम के दो शूटर मधुमिता के घर पहुंचे। जैसे ही नौकर देशराज चाय बनाने के लिए किचन में गया, वैसे ही गोली की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर देशराज कमरे की तरफ भागा, लेकिन संतोष और प्रकाश नदारद थे और मधुमिता की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। साफ था कि यह हत्या संतोष राय और प्रकाश पांडे ने की थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है। शुरुआती जांच में अमर मणि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि अक्सर या तो गवाह मुकर जाते या फिर सबूत गायब हो जाते, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की CBI जांच के आदेश दे दिए। अमर मणि और उनके साथियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया गया, सबूतों की नए सिरे से पड़ताल शुरू हुई और मधुमिता की हत्या के तार अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी से जुड़े। 2007 में ही यह केस देहरादून की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और अक्टूबर 2007 में अदालत ने अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को इस हत्या की साजिश का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और अब बात भारत पाकिस्तान रिश्तों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच रूस में हुई मुलाकात पिछले साल काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। बीच में रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन रूस के उफा में हुई आज की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि रिश्तों में इससे एक नई गर्माहट आएगी। दोनों देशों में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी अब नवाज शरीफ के बुलावे पर अगले साल सार्क सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान जाएंगे। देखिए क्या हुआ इस मुलाकात में। भारत पाकिस्तान के नेताओं की मुलाकातों की तस्वीरें आमतौर पर खुशनुमा होती हैं। इस बार पीएम मोदी ने इसमें अपना टच देने की भी कोशिश की। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अगवानी के लिए अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहले से ही कमरे में मौजूद थे। नवाज आए तो पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, काफी देर तक मुस्कुराते हुए उनके हाथों को पकड़े रहे, लेकिन असली बात तस्वीरों के पीछे होती है और जल्द ही कमरा बंद हो गया। ये मुलाकात 40 मिनट के लिए तय थी, लेकिन एक घंटे से भी ज्यादा चली। बातचीत के बाद नवाज शरीफ ने मीडिया को बताया वो दोनों देशों के बीच हुई बातचीत से संतुष्ट हैं। दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज ने मेरे ख्याल है कि वो अपना ड्राफ्ट बनाया है और उसको दोनों देशों के विदेश सचिवों ने बाद में मीडिया के सामने भी बंद कमरे में हुई बातचीत का ब्यौरा दिया और इस ब्यूरो के मुताबिक कई अहम मसलों पर बात बनी है। दोनों पक्ष सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हुए। पाकिस्तान ने माना कि सभी तरह का आतंकवाद खतरा है। पाकिस्तान मुंबई आतंकी हमले से संबंधित मुकदमों में तेजी लाने पर सहमत हुआ, साथ ही गुनहगारों के वॉयस सैंपल पर भी बात हुई। सहमति इस बात पर भी बनी कि दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के NSA एक दूसरे से मुलाकात करेंगे।
इसके अलावा DGBSF और DGMI के बीच बैठकों का दौर शुरू हो इस पर सहमति बनी। दोनों देशों ने एक दूसरे के मछुआरों और उनकी नावों को 15 दिन के भीतर छोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा जो खास बात ये हुई कि पीएम मोदी अब अगले साल सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रिटरेटेड हिज इनविटेशन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट पाकिस्तान फॉर द सार्क समिट इन 2016। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सेप्टेड दैट इनविटेशन। दोनों देशों ने यह फैसला किया कि आतंकवाद से निपटने के लिए वो हर जरूरी कदम उठाएंगे। पीएम नवाज शरीफ ने यह भरोसा दिया कि वो पाकिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर यानी आतंकी संगठनों पर देश के कानून के मुताबिक लगाम लगाएंगे। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात में कश्मीर की बात भी छेड़ी। बहरहाल इस मुलाकात को केंद्र सरकार पीएम मोदी की बड़ी कामयाबी बता रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ इसे आगे बढ़ाने में लगातार दिलचस्पी बनाए रखेगा या एक बार फिर उसकी सेना और ISI इन फैसलों की राह में रोड़ा बनेंगे। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की रूस में हुई मुलाकात ने रिश्ते का गतिरोध तोड़ा। साझा बयान आया, पाकिस्तान ने वादा किया कि वो मुंबई आतंकी हमले के गुनहगारों के वॉइस सैंपल भी देगा। आतंकवाद से लेकर सीमा तनाव घटाने के मुद्दे पर बातचीत का खाका तय हुआ। हालांकि भारत पाक रिश्तों की ये कड़वी हकीकत है कि वादे और इरादे तो हर बार जताए जाते हैं, मगर रिश्तों की डगर पर आगे कदम तभी संभव होंगे जब पाकिस्तान के उफा में जताए इरादे जमीन पर नजर आए। कैमरामैन अनिल सूद के साथ प्रणय उपाध्याय, उफा, IBN 7। रूस और कूटनीति की बातों से दूर आइए, अब चलते हैं और बात करते हैं चूहों की। जी हां, क्योंकि मुंबई चूहों से परेशान है। BMC ने चूहों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन किल रैट की शुरुआत की है। दरअसल मुंबई में लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए बीएमसी ने चूहों के खात्मे का जिम्मा उठाया है। BMC ने चूहों को पकड़ने के लिए 100-100 रुपए का इनाम भी रखा है। लोगों की इस मुहिम के साथ जुटने के लिए हमारे संवाददाता निशात शमसी ने भी जाकर देखा माजरा क्या है। लेप्टोस्पायरोसिस मुंबई में कहर बनकर टूटी है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए बीएमसी की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी, और जिसके बाद खुद अब लोगों ने शुरू की अपनी एक नई मुहिम शुरू की है, जहां पर लोग जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा चूहा पकड़ने की का जो काम है, चूंकि कहा जा रहा है कि लेप्टो के लिए चूहा एक अहम रीजन हो सकता है, कारण होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर खुद लोग अपने तरीके से ये पूरा काम कर रहे हैं। गीता यादव हैं, उनसे बात करते हैं। वहाँ आपने जो पूरी तैयारी की है, क्या कैसे कर रही है सब कुछ? ये तैयारी हम आज यहाँ पे निकले हैं, चूहा ढूंढ रहे हैं और जहाँ पे चूहे का होल वगैरह दिख रहा है वहाँ पे हम दवा छिड़कवा रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह जो होल से वहाँ पर जाकर इस तरह से चूहा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बीएमसी के कर्मचारी हैं जिनकी मदद से ये पूरा काम मुहिम जो शुरू किया है खुद लोगों ने, कि आखिर जो चूंकि ये काफी बड़ा स्लम पॉकेट है यहाँ पर, जिस इलाके में ये मामले ज्यादा आ रहे हैं और वहाँ पर चूहों का होना काफी ज्यादा बड़ा कारण माना जा रहा है। आप कैसे पकड़ते हैं चूहा, किस तरह से पकड़ते हैं चूहे को? हेलो, चूहे को कुछ पिंजरे के अंदर, टमाटर रखो, धनिया रखो, भजिया रखो, उसे लगा के जाले ऐसा बंद करने का, और जहाँ से भी चूहा आने आएगा इधर से जा सकता है और इधर रख देने का ऐसा। कितने जाल लगा रहे थे पूरे जिन इलाकों में चूहे ज्यादा हैं? जिधर जिधर का एरिया का कंप्लीट रहेगा उधर उधर जाली लगा देते हैं। यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए और खासतौर से चूहे जैसी जिससे बीमारी फैल रही है उसको लेकर जानकारी देने के लिए यहाँ पर जो मुहिम शुरू की गई है, लोगों को बताया जा रहा है कि अगर वो चूहा लेकर आते हैं तो उनको इनाम मिलेगा, ताकि लोग जागरूक हों और इस बीमारी से उन्हें एक बड़ी राहत मिल सके। दिग्विजय के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। उधर पुणे में FTII के अध्यक्ष के तौर पर गजेंद्र चौहान को चुने जाने का विवाद अब भी थम नहीं रहा है। छात्रों की बात का समर्थन करते हुए कल अनुपम खेर ने अध्यक्ष पद के लिए किसी ज्यादा क्वालिफाइड शख्स को बिठाए जाने की बात कही थी। वहीं अभिनेता ऋषि कपूर और मशहूर निर्देशक और FTII के अध्यक्ष रह चुके श्याम बेनेगल ने इस पर टिप्पणियां की हैं। ऋषि कपूर का कहना है कि जब छात्र गजेंद्र का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें खुद ही पद छोड़ देना चाहिए, और श्याम बेनेगल का कहना है कि विरोध कर रहे छात्रों को गजेंद्र चौहान से कम मुलाकात तो करनी चाहिए, बिना मिले वो कैसे तय कर सकते हैं कि वो चेयरमैन पद के लायक हैं या नहीं। ओपनली आपको अपोज किया जा रहा है, आपकी खिल्ली मजाई जा रही है, आपका जुलूस निकाला जा रहा है, तो इस बीच में मेरे ख्याल में आपको अपने आप ही वॉलंटरली रिजाइन कर देना चाहिए। बिकॉज मैं सोचता हूँ कि अगर आप रहें भी और वो बच्चे जो सीखने आए हैं FTII में, आपका और उनका रिलेशनशिप क्या रहेगा? अभी स्टूडेंट्स जो हैं मुझे लगता है कि काफ़ी गलती कर रहे हैं, मतलब जो देर नॉट करेक्ट इन गोइंग ऑन अ स्ट्राइक।
दे शुड एक्चुअली कॉल फॉर अ मीटिंग। गजेंद्र चौहान पर उठे विवाद पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आधिकारिक बयान देते हुए कहा है कि सरकार ऐसी काउंसिल चाहती थी जो कि इंस्टीट्यूट की तरक्की के लिए पूरा वक्त दे सके। वहीं विवादों में घिरे गजेंद्र चौहान का कहना है कि वो खुद को अध्यक्ष पद के लायक समझते हैं और केंद्र सरकार ने उन्हें पद सौंपा है। मैं इस पद के लिए अपने को लायक मानता हूं क्योंकि भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि मैं इस पद को संभालूं। मेरे अनुभव को देखते हुए सिनेमा और टेलीविजन में और मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखते हुए। भारत में फुटबॉल के अच्छे दिन अब लौट रहे हैं। भारतीय फुटबॉल में पिछले साल जिस तरह से इंडियन सुपर लीग ने धमाकेदार आगाज किया था, दूसरे सीजन में उससे भी बेहतर शुरुआत की झलक दिखाई दे रही है। मुंबई में पहली बार लीग के 10 खिलाड़ियों की नीलामी हुई और टीमों ने खुलकर स्टार खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात की। उम्मीद के मुताबिक सबसे बड़े भारतीय स्टार भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री 1,20,00,000 रुपए में बिके और बाजी मारी मुंबई एफसी ने। मुंबई में इंडियन सुपर लीग के लिए जब नीलामी शुरू हुई तो खिलाड़ियों के साथ साथ स्टार मालिकों का जलवा भी पूरे परवान पर दिखा। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश ऑल द 8 क्लब्स एंड ऑल द प्लेयर्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीजन 2। कम ऑन इंडिया, लेट्स फुटबॉल। जैकी चंद सिंह बोली शुरू हुई तो सबसे पहले नाम आया जैकी चंद सिंह का। पुणे की टीम ने जैकी चंद को 45,00,000 रुपए में खरीदा। Our objective was achieved. We have Jackie Chand and Eugenson, who I think are going to add exactly what we need to David's strategy for this season. So I'm very very happy. बहुत बहुत मजा आया। 1.05 I'm at Pune City. इसके बाद ISL को पहला करोड़पति भारतीय फुटबॉलर भी पुणे सिटी ने ही दिया जब यूजेंसन लिंग दो को ऋतिक ने अपनी टीम में शामिल किया। लिंग दो को 1,05,00,000 में पुणे ने खरीदा। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद यह रिकॉर्ड भी टूट गया जब सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा और सबसे ज्यादा 80,00,000 बेस प्राइस वाले भारतीय कप्तान सुनील छेत्री का नंबर आया। सुनील छेत्री 1.2 crore, मुंबई सिटी। मुंबई सिटी एफसी ने सुनील छेत्री को 1,20,00,000 में खरीदा। वेरी ऑनेस्टली नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक बट मनी इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। रियली हैप्पी कि मुंबई ने साइन किया मेरे को एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट माय ट्रेनिंग। अगर बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो कई लोगों ने अपनी बेस प्राइस से कहीं अधिक की कीमत हासिल की। 7,50,000 की बेस प्राइस वाले रीनो अंटो को एटलेटिको डी कोलकाता ने 90,00,000 में खरीदा। चेन्नईन एफसी ने थोई सिंह को 46,00,000 रुपए दिए। अलाता इज़्मी को कोलकाता ने 68,00,000 रुपए में खरीदा। चेन्नई एफसी ने गोलकीपर करणजीत को 60,00,000 में खरीदा। सतसेन सिंह को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 56,00,000 में खरीदा। दिल्ली डायनमोज ने रॉबिन सिंह को 51,00,000 रुपए दिए जबकि इसी टीम ने एंस इडाथुल्डिका को 51,00,000 में खरीदा। 10 खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी ने कुल 7,22,00,000 रुपए खर्च किए। पुणे शुक्ला, दिल्ली IBN7। भारतीय कोस्ट गार्ड का लापता डॉर्नियर विमान आखिरकार खोज निकाला गया है। इंडियन नेवी ने इसमें रिलायंस के विशेष जहाज की मदद ली। नौसेना के जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुध्वज जो लापता डॉर्नियर विमान की तलाश में लगी थी उसे 6 जुलाई के संकेत मिले कि तकरीबन 1,000 मीटर की गहराई में कहीं मलबा है। इस अहम जानकारी के बाद रिलायंस के विशेष जहाज MV ओलंपिक कैनियन को खोज अभियान में साथ में लगाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और रिमोट से चलने वाले ओलंपिक कैनन ने लापता डॉर्नियर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को समुद्र से बरामद किया। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस पर और जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ, बताएं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आखिरकार ये मलबा मिला है।
बिल्कुल, ये रिलायंस के इस जहाज की तारीफ भी की है, जो भी कोस्ट गार्ड का प्रेस रिलीज आया है, चाहे इंडियन आर्मी का, इसमें तमाम जो इतनी गहराई से आज तक इतनी बड़ी खोज कभी नहीं हुई थी, जिसमें एक गायब डोनियर एयरक्राफ्ट का मलबा मिला हो, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिले हो और उसके एक वन लाइन रिप्लेसमेंट मिला हो, तो आकाश एक चीज तो साफ कही जा सकती है कि रिलायंस के इस वेसल की तारीफ अभी आर्मी भी कर रही है, नेवी भी कर रही है, कोस्ट गार्ड भी कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी फंक्शनल सपोर्ट व्हीकल है जिसके जरिए ये खोज संभव हो सकी। अमिताभ बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इंडिया 9 बजे में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक कार्टून दिखा रहे हैं जो कि भारत पाकिस्तान संबंध किस दिशा में जा सकते हैं उसके ऊपर कार्टूनिस्ट नीलाभ की नजर। वक्त अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बिहार के सिंहासन के सेमीफाइनल में क्या हुआ है।